अध्ययन करते हैं टेंस का। अन्य भाषाओं की तरह इंग्लिश में भी तीन टेंस होते हैं। अन्य दूसरे भाषाओं की तरह इंग्लिश में भी तीन टेंस होते हैं। प्रथम है प्रेजेंट वर्तमान, जिसे जैसे आई गो ही प्लेज, प्रथम टेंस है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, एग्जाम्पल है आई गो ही प्लेज। सेकंड है पास्ट भूत अतीत काल, जैसे आई वेंट ही प्लेड। सेकंड है पास्ट टेंस भूतकाल, जैसे है आई वेंट ही प्लेड। थर्ड है फ्यूचर भविष्य, जैसे आई शैल गो ही विल प्ले। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। फर्स्ट है इंडिफिनिट या सिंपल, सेकंड है प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इंग्लिश में तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के चार भेद हैं, इंडिफिनिट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का अर्थ हुआ प्रेजेंट टेंस के चार भेद, पास्ट टेंस के चार भेद, फ्यूचर टेंस के चार भेद। प्रेजेंट टेंस के चार भेद हुए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस के और इसी तरह से फ्यूचर टेंस के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को, या जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं उसे देखते हैं। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस भी वन। प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो होता है अपने स्वाभाविक फॉर्म में V1 फॉर्म में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल निम्न क्षेत्रों में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल निम्न क्षेत्रों में होता है। फर्स्ट है जो काम रोज या हमेशा होता है। पहला, जो काम रोज हो रहा है या हमेशा हो रहा है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रोजाना होने वाले कार्यों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस V1। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह चाय पीता है। देखिए ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह चाय पीता है, रोज होने वाले कार्य हैं। यू राइज वेरी अर्ली, आप बहुत जल्द उठते हैं। यू राइज वेरी अर्ली, आप बहुत जल्द उठते हैं। यह हमेशा होने वाला कार्य है, रोज होने वाले कार्य है, इनके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, जो बात हमेशा के लिए सत्य है, इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो बात इटर्नल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हमेशा के लिए सत्य हो, वहां हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यह सभी लोग जानते हैं कि यह हमेशा सत्य ही रहेगा कि सूर्य पूरब में उगता है, यह पश्चिम में कभी नहीं उग सकता है। तो इसके वाक्य को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बोला जाता है। क्या बुलाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य साहसी मनुष्य को ही सहायता करता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य साहसी मनुष्य की ही सहायता करता है। थर्ड, जो काम निकट भविष्य में होने वाला हो उसे हम सिंपल प्रेजेंट द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ही लीव्स फॉर पटना टुमोरो, वह कल पटना जाएगा। ही लीव्स फॉर पटना टुमोरो, वह कल पटना जाएगा। जो काम निकट भविष्य में होने वाला हो, यानी बहुत नजदीक ही होने वाला हो कार्य, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि वह कल पटना जाएगा, इस बात को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही लीव्स फॉर पटना टुमोरो। वी गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह मुंबई जाएंगे। इसका भी वाक का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट में हो गया, वी गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक।
When does the college reopen? कॉलेज फिर कब खुलेगा? When does the college reopen? कॉलेज फिर कब खुलेगा? देखिए कॉलेज फिर कब खुलेगा, इसका अनुवाद जो है इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट में होता है व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, क्योंकि ये सब जो कार्य हैं यह निकट भविष्य में होने वाले हैं। आई विल वेट हेयर अंटिल ही कम्स बैक, मैं यहाँ इंतजार करूँगा जब तक वह लौट कर नहीं आएगा। देखिए आई विल वेट हेयर, मैं यहाँ इंतजार करूँगा अंटिल ही कम्स बैक, जब तक वह लौट कर नहीं आएगा। वह लौट कर जल्द ही आएगा, जल्द आने वाला बात है, तो इसके लिए क्या किए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किए। वी विल स्टार्ट एज सुन एज वी आर रेडी, हम लोग शुरू करेंगे जो ही हम लोग तैयार हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट एज सुन एज वी आर रेडी। आई शैल लेट यू नो व्हेन आई हियर फ्रॉम हिम, मैं आपको बताऊंगा जब मैं उनसे सुनूंगा। आई शैल लेट यू नो व्हेन आई हियर फ्रॉम हिम, मैं आपको बताऊंगा जब मैं उनसे सुनूंगा। आप देखिए व्हेन के बाद आई हियर फ्रॉम हिम, मैं उनसे सुनूंगा, जल्द ही सुनूंगा, नजदीक ही होने वाला कार्य है, इसलिए क्या किए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किए। आई शैल गो देयर आफ्टर यू गेट रेडी, आपके तैयार हो जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर आफ्टर यू गेट रेडी, आपके तैयार हो जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर आफ्टर यू गेट रेडी, आपके तैयार हो जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर आफ्टर यू गेट रेडी, आपके तैयार हो जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा। सो लॉन्ग एज यू आर पुअर यू कांट परचेज ए VCR, जब तक आप गरीब हैं आप VCR नहीं खरीद सकते हैं। सो लॉन्ग एज यू आर पुअर यू कांट परचेज ए VCR, जब तक आप गरीब हैं आप VCR नहीं खरीद सकते हैं। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव्स, अब देखते हैं निगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स को। फर्स्ट, आई वी यू दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट के लिए निगेटिव में डोंट प्लस भीवन का प्रयोग किया जाता है, तथा ही सी इट या अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डजंट प्लस भीवन का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उसके लिए जब भी हमको पॉजिटिव से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो, या कोई बात नेगेटिव या इंट्रोगेटिव्स में कहना हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव में डोंट प्लस भीवन का प्रयोग किया जाता है, तथा ही सी इट या अन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डजंट प्लस भीवन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डजंट प्लस भीवन का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के लिए डोंट प्लस भीवन का प्रयोग किया जाता है। वी प्ले, वी डोंट प्ले, वी प्ले आपका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस है वी डोंट प्ले, वी के साथ डोंट लगता है। सी राइट्स, She doesn't write, she doesn't writes गलत है, आप कभी नहीं बोलिए she doesn't writes, क्योंकि negative या interrogative में s या es लगाकर plural नहीं बनाते हैं। She doesn't write, boys run, boys don't run, boys run, boys don't run। सेकंड, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्जिलरी या हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाया जाता है, और इंट्रोगेटिव जब बनाना हो तो ऑक्जिलरी या हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए। मोहन कैन ड्राइव ए कार, कैन मोहन ड्राइव अ कार, मोहन कैन ड्राइव अ कार, तो यहाँ जो ऑक्जिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जो कैन है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो सबसे आगे आ जाएगा, तो क्या होगा अंग्रेजी, कैन मोहन ड्राइव अ कार।
ही इज अ वेरी गुड बॉय, इज ही अ वेरी गुड बॉय। दे डोंट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, या कह सकते हैं डोंट दे प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो डू या डज का सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है। यू इट राइस, डू यू इट राइस। देखिए यू इट राइस, यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है यू इट राइस में, तो ऐसे सेंटेंसेज में डू या डज को सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है। डू यू इट राइस। सी डांसेज, डज सी डांस, डज सी डांसेज गलत है। ही प्लेज विथ अनिल, ही प्लेज विथ अनिल, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज ही प्ले विथ अनिल। दे वॉन्ट अ बुक, डू दे वॉन्ट अ बुक। अगर हु, कौन, होम, किसे, वाट, क्या, वेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, हाउ, कैसे इत्यादि द्वारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है। अगर कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ इत्यादि द्वारा इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है। देखिए डज ही कैन गो, डज ही गो टू पटना, क्या वह पटना जाता है। देखिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज ही गो टू पटना, क्या वह पटना जाता है। और देखिए इसको हु, व्हाट, इन सब से का यूज करके बनाते हैं तो Why, when does he go to पटना, वह क्यों या कब पटना जाता है। क्या बोले Why does he go to पटना, या कह सकते हैं When does he go to पटना। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए when का भी प्रयोग है और does का भी प्रयोग है, तो दो दो इंट्रोगेटिव का यूज है, तो इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, या डबल इंट्रोगेटिव बनाया गया। जबकि does he go to पटना में सिंगल इंट्रोगेटिव है, सिर्फ does का प्रयोग है। Do you sing a song? क्या तुम गाना गाते हो? How do you sing a song? तुम कैसे गाना गाते हो? देखिए डबल इंट्रोगेटिव, How do, दो इंट्रोगेटिव हो गए, You sing a song, तुम कैसे गाना गाते हो? Do you love? क्या तुम प्यार करते हो? Do you love? क्या तुम प्यार करते हो? से डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। होम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो? होम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो? डज ही गो विथ हिज वाइफ, क्या वह अपनी पत्नी के साथ जाता है? डज ही गो विथ वाइफ, क्या वह अपनी पत्नी के साथ जाता है? वेयर डज ही गो विथ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो विथ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाता है?